प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि एशियाई अर्थव्यवस्था को स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 46वें वार्षिक एशियाई विकास बैंक शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी उन्मूलन अभी भी चिंता का विषय है, जिस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की जरूरत। जम्मू की कोट भलवल जेल में हमले से घायल हुए पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह की हालत स्थिर। पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि सनाउल्लाह को वेंटिलेटर पर रखा गया। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों को कैदी से मिलने की दी अनुमति। विदेश मंत्री ने जम्मू की जेल में पाकिस्तानी कैदी पर हुए हमले की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान से अपील की है कि दोनों देशों के बीच कुछ ऐसी प्रक्रिया शुरू की जाए जिससे दोनों मुल्कों की जेलों में बंद कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सरबजीत सिंह की दूसरी ऑटोप्सी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक सरबजीत के शरीर के कई महत्वपूर्ण अंग निकाले गए थे। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान सरकार से कई बार अपील की थी कि मानवीय आधार पर सरबजीत सिंह को रिहा किया जाए, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने नहीं सुनी उनकी अपील। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि सीमा मुद्दे पर बातचीत में चीन की ओर से सकारात्मक रुख सामने नहीं आया है। कहा, इसके बावजूद दोनों मुल्क वार्ता के जरिए इस मुद्दे का हल निकालने की कर रहे हैं कोशिश। विदेश मंत्री ने कहा कि चीनी सेना को देपसांग घाटी से अपनी सीमा में वापस लौटना चाहिए। सीबीआई ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में रेलवे बोर्ड के स्टाफ सदस्य महेश कुमार समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। गिरफ्तार लोगों में से एक रेल मंत्री पवन कुमार बंसल का रिश्तेदार। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक महेश कुमार की पदोन्नति के लिए कथित तौर पर 90 लाख रुपए की दी गई रिश्वत। इस बीच रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने एक बयान में कहा है कि उनकी बहन के बेटे वी सिंगला के क्रियाकलापों से उनका नहीं है कोई संबंध। रेल मंत्री के एक रिश्तेदार की भ्रष्टाचार मामले में हुई गिरफ्तारी पर भाजपा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार फैलाने का लगाया आरोप। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कल नई दिल्ली में एक भव्य समारोह में 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। पान सिंह तोमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। साल 2012 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेता प्राण को दिया गया। पाकिस्तान के कराची में अवामी नेशनल पार्टी के एक उम्मीदवार की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वे नमाज अदा कर लौट रहे थे। हमले में उनके 3 साल के बेटे की भी मौत हो गई। पाकिस्तान में हो रहे संसदीय चुनाव के दौरान किसी उम्मीदवार की हत्या का ये पहला मामला है। अमेरिकी वायुसेना का बोइंग विमान KC-135 कल उत्तरी किर्गिस्तान की पहाड़ियों में हो गया दुर्घटनाग्रस्त। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि बोइंग विमान के किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक से करीब 60 किलोमीटर पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में चालक दल के 3 सदस्य सवार थे। भारत की पीवी सिंधु कुआलालंपुर में खेली जा रही मलेशिया ग्रैंड प्री गोल्ड बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल मुकाबले में सिंधु ने थाईलैंड की सेफसरी तरनतनचाई को सीधे सेटों में 21-17, 21-11 से हराया।